नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में इस समय आलू की कड़ाई फिर से शुरू हो गई है और जिन खेतों में पानी भर गया था तो वो भी अब जुतने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत सारे मतलब जुत भी गए हैं आलू, और जिनमें ज्यादा पानी भरा था वो अभी मतलब जितने लायक नहीं हुए हैं। एक दो चार दिन में मतलब एक दो तीन दिन में जुतेंगे वो, और कुछ खेत जो मतलब जिनमें कम पानी भरा था वो जुत गए हैं और गड़ाई भी शुरू हो गई है। अगर आपको चाहिए कि मतलब आलू जुतता हुआ अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और वैसे मतलब बहुत सारे आलू जुते हैं, और मैंने जितने खेत दिखाए थे उसमें से जो है सिर्फ जिनमें हरी बेल वाले जो थे दो खेत वही बचे हैं और बाकी सब जो है वो गया हुआ है। और अगर आलू के भाव की बात की जाए तो आज मंडियों में बहुत उठापटक हुई है। कई मंडियां डाउन हुई हैं और कई मंडियां थोड़ी सी अप भी हुई हैं, और कई मंडियां जो है सेम बनी हुई हैं। तो सेम वाली की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद और कन्नौज, फर्रुखाबाद और कन्नौज में ज्यादा फर्क नहीं आया है। यहाँ पे मंडी में थोड़ा सा दबाव महसूस किया गया है खाली, लेकिन रेट में ज्यादा गिरावट नहीं है। 10-20 रुपए की गिरावट दिख रही है, मतलब उसको हम दबाव कह सकते हैं बाजार के ऊपर। और बिक्री जो है बहुत कम है, मतलब बीज का ही आलू ज्यादातर बिक रहा है और वही मतलब ख्याति बुकराज बिक रहे हैं आपके 785 रुपए से लेके 825 रुपए पैकेट तक बिक रहा है। इक्का दुक्का मतलब बीज वाले 850 भी बिक जाते हैं, हो सकता है कोई 900 भी बेच ले। तो बीज का ही ज्यादा आलू बिक रहा है, और वैसा जो है चालानी का माल बहुत कम बिक रहा है। चालानी का अगर बिक रहा है तो वो 785 रुपए से लेके 825 रुपए पैकेट का बिक रहा है। 37-97 आपका 850 से लेके 900 रुपया पैकेट, मतलब 900 रुपया भी बीज में बिकेगा, और वैसे 850 से 900 रुपए के आसपास जो है 37-97 है। लेकिन बिक्री मतलब दूसरी चालानी है ही बहुत कम, ज्यादातर जो बिक रहा है वो बीज में ही बिक रहा है। और बिक्री मेरे ख्याल से अब दिवाली के बाद ही होगी बिक्री, और अब तो मतलब 2-4 दिन बाद दिवाली है, तो दिवाली पे तो मंडियां वैसे भी 2-3 दिन बंद हो जाती हैं, तो दिवाली पे बिक्री होगी नहीं। और हो सकता है बाजार पे दबाव इसीलिए बना हो दिवाली के लिए, क्योंकि अभी जो गाड़ी भेजेगा 4 दिन बाद गाड़ी पहुंचेगी तो वो दिवाली वाले दिन ही पहुंचेगी, और दिवाली वाले दिन पहुंचेगी तो दिवाली वाले दिन बिक्री मतलब बहुत कम मंडियों में बिक्री होती है। ज्यादातर जो है लोग छुट्टी पे चले जाते हैं तो बिक्री कम होती है, तो इस वजह से भी मार्केट पे दबाव हो सकता है दिवाली की वजह से कि 4 नवंबर को दिवाली है और दिवाली के आगे पीछे भी छुट्टी ही रहती है। चिप्सोना बिका है आपका 900 से लेके 950 रुपया पैकेट, और हाईलैंड में गिरावट नहीं है कहीं भी। हाईलैंड आपका बिका है 950 रुपए से लेके 1050 रुपया पैकेट, और G4 आपका वही बिक रहा है 1950 रुपए से लेके 2000 रुपया कुंतल सूखा हुआ, और किसी किसी ने 2050 और 2100 रुपए भी बेचा है, लेकिन बीज में ही बिक रहा है ये। तो ये भाव जो है वो विद कोल्ड भाड़े के भाव हैं, और मतलब कोल्ड भाड़ा इसमें साथ में है। और इसके बाद बात करते हैं, और भर्ती मिलती है यहाँ पे आपको, मतलब पैकेट जो है वो 53 किलो की गारंटी होती है, मतलब 53 किलो तौल के दिया जाता है सूखा, और मतलब गीला माल जो कोल्ड से निकलेगा 53 किलो वजन होना चाहिए, पक्का वजन 50 किलो। इसके बाद बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज की मंडी मतलब वही चिप्सोना आपका बिका है 900 से लेके 950 रुपया पैकेट, और हाईलैंड बिका है आपका 950 रुपए से लेके 1050 रुपया पैकेट। मंडी में थोड़ा सा दबाव यहाँ पे भी है और बिक्री कम ही है। इसके बाद बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर की मंडी आज जो है डाउन हुई है। कानपुर की मंडी मन पे कम से कम 25 रुपया डाउन है, 20-25 रुपया डाउन है। तो आमदनी वही करीब करीब 45 गाड़ी के आसपास होगी, और ख्याति बुकराज बिके हैं यहाँ पे 575 से लेके 605 रुपया मन, और 37-70 पे बिके हैं 600 से लेके 625 रुपया मन। सिंदूरी और हाईलैंड पे गिरावट नहीं है, वो बिके हैं आपके 800 से लेके 900 रुपया मन। और कानपुर में मन होता है आपका 40 किलो का, तो ये जो भाव मैंने बताया वो 40 किलो के भाव हैं। और लखनऊ से रिपोर्ट आज भी नहीं आई है। इसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में गोला आलू बिका है 1500 से लेके 1600 रुपया क्विंटल, 100 रुपए की गिरावट है यहाँ पे, और सफेद आलू पे। और G4 बिका है आपका 1900 से लेके 2000 रुपया क्विंटल,
यहाँ पे भी कल से मंडी में जो है 200 रुपए की गिरावट है। कल कल मैंने भाव में नहीं बताया था, लेकिन कल 2200 रुपए के आसपास बिका था, आज जो है 200 रुपए की गिरावट है यहाँ पे। और इसके बाद बात करते हैं सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में सफेद आलू बिका है आपका 1600 से लेके 1650 रुपया कुंतल, और कंचन बिका है आपका 1800 से लेके 1900 रुपया कुंतल, हालेट बिका है आपका 2000 से लेके 2100 रुपया कुंतल, और एलआर बिका है आपका 1800 से लेके 1900 रुपया कुंतल, और लाकर बिका है आपका 1700 से 1750 से लेके 1800 रुपया कुंतल। यहाँ पे भी सफेद आलू की गिरावट है 50 रुपए की, और हालेट में गिरावट है 100 रुपए की कल से, और एलआर में गिरावट है 100 रुपए की। मतलब सफेद आलू में 100 रुपए की गिरावट है, और लाल आलू में जो है 50 रुपए की गिरावट है कल से आज में। और बाराबंकी में राजेंद्रमन बिक रहा है आपका 1100 से लेके 1200 रुपया कुंतल, सॉरी 1100 से लेके 1200 रुपया पैकेट, और जो है इक्का दुक्का आलू 1200 के ऊपर भी हो सकते हैं, और मतलब मुझे यही भाव मिला है। वैसे वहां से बड़ा ऊपर नीचे भाव आता है, कोई बोलता है 1400 रुपए, कमेंट में बताता है 1400 रुपए बिका है, कोई बताता है 1300 रुपए बिका है, कोई 1450 बोलता है, तो मुझे भाव मिला है 1100 से लेके 1200 रुपया कुंतल का। बाकी लोग आप कमेंट में कन्फर्म कर दें भाई कि आपके यहाँ क्या बिका है। बात करें आगरा की, तो आगरा में भी आज जो है 100 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है, और कल ही शाम को मंडी गिर गई थी, मतलब कल दिन से ही मंडी गिरना चालू हो गई थी आगरा की। आगरा में आज बिके हैं 37-97 आपके एवरेज क्वालिटी के 700 से लेके 800 रुपया पैकेट, और जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के आलू है वो बिके हैं आपके 800 से लेके 850 रुपया पैकेट, 100 रुपए की गिरावट है इसमें। और गुल्ला बिका आपका 550 रुपए से लेके 650 रुपया पैकेट, और किर्री बिकी है आपकी 400 से लेके 450 रुपया पैकेट, इसमें भी 50 रुपए की गिरावट है। बात करें सिरसागंज की, तो सिरसागंज से 37-97 एवरेज आलू बिके हैं 750 से लेके 800 रुपया, 800 रुपया पैकेट, और एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 800 से लेके 900 रुपया पैकेट, हाइब्रिड बताया गया है 700 से लेके 800 रुपया पैकेट, तो 70-75 रुपए की गिरावट यहाँ पे भी है। और इसके बाद बदायूं से आज अपडेट नहीं आई है। दिल्ली आजादपुर की बात करते हैं, तो दिल्ली आजादपुर में आज आपका 37-97 बिका है 700 से लेके 850 रुपया पैकेट, सूर्या बिका है 1100 से लेके 1300 रुपया पैकेट, और चिप्सोना बिका है आपका 1100 से लेके 1250 रुपया पैकेट, और 50-60 रुपए पैकेट की गिरावट यहाँ पे भी है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आपका पुखराज बिका है 450 से लेके 500 रुपया पैकेट, और ज्योति बिका है आपका 550 रुपए से लेके 600 रुपया पैकेट, पुखराज का बीज जो है वो बिका है 900 रुपए से लेके 950 रुपया पैकेट गीला आलू कोल्ड वाला, और सूखा अगर है तो वो 1050 रुपए के आसपास है पैकेट, भर्ती मिलती है यहाँ पे 50 किलो की, और ज्योति का बीजा बिक रहा है आपका 1350 से लेके 1450 रुपया पैकेट। इसके बाद बात कर हल्द्वानी की मंडी आज बंद है, छुट्टी है मंडी में। और इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में यहाँ पे भी 100 रुपए की गिरावट है कल से, और आज सफेद आलू बिके हैं यहाँ पे 1200 से लेके 1500 रुपया कुंतल, तो 1200 से लेके 1300 रुपया निबल वाले बिके हैं, और मीडियम 1300 से 1400 रुपया, और बढ़िया आलू जो है वो बिके हैं 1400 से लेके 1500 रुपया कुंतल। इसके बाद बात करते हैं एमपी इंदौर की भी अपडेट मिली है, यहाँ पे ज्योति बिका है आपका 700 से लेके 1000 रुपया कुंतल, और एलआर बिका है आपका 800 से लेके 1100 रुपया कुंतल। गुजरात दिशा की बात की जाए, तो एमपी की भी मंडी सेम है, और ये गुजरात दिशा की बात करें, पुखराज बिका है यहाँ पे 500 से लेके 625 रुपया पैकेट, और ख्याति बिका है आपका 600 से लेके 650 रुपया पैकेट, बादशाह बिका है आपका 650 से लेके 800 रुपया पैकेट। तो यहाँ पे बादशाह में जो है 50 रुपए की बढ़ोतरी है, और बाकी आलू पुखराज ख्याति सेम है। अहमदाबाद से अपडेट नहीं आई है आज। बात करते हैं सीधे सूरत की, तो सूरत में आमदनी रही है 75 गाड़ी की आज, और पुखराज बिका आपका 210 से लेके 260 रुपया मन, और ख्याति बिका है आपका 230 रुपए से लेके 280 रुपया मन, और बादशाह बिका है आपका 280 से लेके 350 रुपया मन, और एलआर बिका है 180 रुपए से लेके 320 रुपया मन।
यहाँ पे भी मन पे जो है मतलब ख्याति में 20 रुपए की गिरावट दिख रही है और बाकी आलू लगभग सेम है, तो मतलब उसको गिरावट नहीं कह सकते, हो सकता है ख्याति कम है वो बिका हो। लगभग मंडी यहाँ की सूरत की सेम ही कह सकते हैं, जैसे गुजरात दिशा की मंडी सेम है तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। और यहाँ पे मन होता 20 किलो का, तो ये जो मैंने भाव बताया है ये 20 किलो के भाव है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे आपका 37-97 बिकाया 1400 से लेकर 1850 रुपया क्विंटल। यहाँ पे मंडी आज 50 रुपए बढ़ी है, और तो निवल वाले बिके हैं आपके 1400 से लेके 1500 रुपया क्विंटल, और जो मीडियम क्लास के हैं वो 1500 मतलब 1400 से 1600 रुपया क्विंटल और 1600 से 1700 रुपया क्विंटल बिके मीडियम आलू, और बढ़िया आलू जो है बिके हैं आपके 1700 से 1850 रुपया क्विंटल बिके हैं। 50 रुपए यहाँ पे मंडी बढ़ी है, और सबसे ज्यादा मंडी बढ़ी है वो बिहार में बढ़ी है। बिहार तभी फर्रुखाबाद में फर्क नहीं पड़ा है ज्यादा, बिहार में आपका समस्तीपुर में बिका 40 आलू आज 1950 रुपए से लेके 2050 रुपया क्विंटल, यहाँ पे 100 रुपए मंडी बढ़ी है क्विंटल पे। और बिहार गुलाब बाग की बात करें तो यहाँ पे सफेद आलू आपका बिका है 1800 से लेके 2000 रुपया क्विंटल, और हालैंड बिका है आपका 2300 से लेके 2400 रुपया क्विंटल। बिक्री कम बताई गई है यहाँ गुलाब बाग में, लेकिन 200 रुपए मंडी प्लस है आज। मतलब कल भी यहाँ पे यही मंडी थी, लेकिन पहले से अगर देखें तो 200 रुपए प्लस है। कल भी मंडी गुलाब बाग में यही थी। और इसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की मंडियां डाउन हुई है आज। तो यहाँ पे हुगली में ज्योति आलू छट्टा बिका है आपका 700 से लेके 750 रुपया पैकेट, पैकेट पे 80 रुपया पैकेट की गिरावट है कल का, कल के रेट में और आज के रेट में 80 रुपए की गिरावट है। और वर्तमान में बिका आपका ज्योति आलू 750 से लेके 750 रुपया पैकेट, 50 रुपए की गिरावट यहाँ पे भी है। और मोइची में बिका आपका 750 रुपए से लेके 710 रुपया पैकेट, कल से 70 रुपए की गिरावट यहाँ पे भी है 50 से 70 रुपए की। और फिर भाई पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पे 645 रुपए से लेके 650 रुपया पैकेट बिका है, और करीब 80-90 रुपए की गिरावट यहाँ पे भी है। और यहाँ पे खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर में ज्यादातर आपको गड्ढा आलू मिलता है, तो ये भाव जो है गड्ढा आलू के हैं। और आज सीके रोड पश्चिम मेदिनीपुर और बंकुरा की रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये थे भाव वो जो मुझे मिले थे, और बाकी जिन मंडियों के भाव आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भाव अगर आपको कोई डिफर लग रहा है कि तो कमेंट में जरूर क्लियर कीजिएगा उसको कि भाई हमारे यहाँ ये बिका है, तो ताकि ये है कि अगर कहीं से कुछ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी तो वो करेक्ट हो जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप आलू की खबर से हर रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बाईटी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप खबर को तुरंत देख पाएंगे। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर बाईटी मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं, या बाईटी मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।